हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल हाउस ऑफ कलाकृति। टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ टू गिव अ मेकओवर टू द ओल्ड फ्लावर वास एज वेल एज द ओल्ड एम्प्टी ग्लास बॉटल्स। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ एम्प्टी थिनर बॉटल यूज़ कर रही हूँ। उसी के साथ हमें चाहिए बेकिंग सोडा, आप बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस फ्लैट ब्रश, प्लेट और कलर। यहाँ मैं 3 डिफरेंट कलर्स यूज़ करने वाली हूँ। इस प्रोजेक्ट में मैं चॉक कलर यूज़ कर रही हूँ। हमें 1:1 ऐसे प्रोपोर्शन में बेकिंग सोडा और कलर लेना है। ज़्यादा थिक मिक्सचर हमें नहीं करना है, वरना वो बॉटल के ऊपर नहीं बैठेगा। जैसे कलर की इंटेंसिटी होती है, वैसे ही हमें इस मिक्सचर की इंटेंसिटी करनी है। उसके बाद मैं यहाँ एक ही कोट कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बॉटल का कलर डार्क है, तो मुझे एक ही लेयर का जो टेक्स्चर था वो मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ हमारी बॉटल्स रेडी है। We can use this bottle as a diffuser also. Second bottle के लिए मैं baking soda के साथ wall color use कर रही हूँ। Asian Paints का ये wall color है। जैसे कि आपने देखा था last project में मैंने chalk color use किया था, पर उसके comparative wall color is the best, क्योंकि chalk color थोड़े thick होते हैं, इसकी वजह से वो मिक्सचर पेंट करने के लिए थोड़ा हार्ड है, पर वॉल कलर इज द बेस्ट कंपेयर टू चॉक कलर। बॉटल के ऊपर सिंगल कोट इतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सेकंड कोट भी कर दिया एंड रियली इट लुक सो अमेजिंग। थर्ड प्रोजेक्ट के लिए मैं फ्लावर वास यूज़ कर रही हूँ। उसे पेंट करने के लिए मैं बेकिंग सोडा के साथ एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। इसे हम 1:1 प्रोपोर्शन में अच्छे से मिक्स करके लेंगे। पहले तो बॉटल जिस फ्लावर वास का सरफेस प्लेन नहीं है, और उसी के साथ ही यहाँ मैं नंबर 6 का फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। प्लस जो मिक्सचर हुआ था वो थोड़ा थिक हुआ था, और सबसे बड़ा रीज़न इसका अनइवन सरफेस, इस वजह से ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। मतलब बेकिंग सोडा के साथ पेंट करने का इसका आइडिया कम्प्लीटली फेल हुआ, इसलिए मैंने ये आइडिया ड्रॉप किया। दिस इज़ माय फर्स्ट एवर DIY प्रोजेक्ट जिस फेल, इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि इस फ्लावर वास को हम सिंपल एक्रेलिक कलर से और डैबर के हेल्प से, स्पंज के हेल्प से हम पेंट कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ इसके ऊपर डैबर के हेल्प से फर्स्ट वाइट कलर पेंट किया, क्योंकि मुझे पिंक कलर पेंट करना था और डार्क कलर है, वाइट कलर से पेंट किया, और उसके बाद मैं इसे पिंक कलर से पेंट करूँगी, और इस तरीके से हमारा फ्लावर वास ये रेडी हो जाएगा। फोर्थ प्रोजेक्ट के लिए मैं यहाँ होम सेंटर का फ्लावर वास यूज़ कर रही हूँ। इसे पेंट करने के लिए अगेन मैं बेकिंग सोडा के साथ एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। इस टेक्निक के लिए हमें बेस कोट करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जो भी कलर हमें यूज़ करना है वो डायरेक्टली हम बेकिंग सोडा के साथ पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो कि सिंगल कोट हो गया है, पर वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं सेकेंड कोट भी इसे करने वाली हूँ, और सेकेंड कोट के बाद हम देखेंगे कि थर्ड कोट की ज़रूरत है या नहीं। शूट मैंने रात में किया था, इसलिए आपको ये कलर अलग दिख रहा है, पर कलर कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ मैं सेकेंड कोट दे रही हूँ। सेकेंड कोट देते टाइम हमें ब्रश बहुत धीरे से चलाना है, नहीं तो फर्स्ट कोट निकल जाएगा। सेकेंड कोट देने के बाद जो टेक्सचर आ रहा था वो बहुत बढ़िया आ रहा था, इसलिए दो ही कोट सफिशेंट है, थर्ड कोट की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने इस प्रोजेक्ट में अलग 3 टाइप के कलर यूज़ किए हैं, चॉक कलर, एक्रेलिक कलर और वॉल कलर। तो एक्रेलिक कलर इज़ द बेस्ट, क्योंकि वॉल कलर सभी के पास अवेलेबल नहीं होता है, और एक्रेलिक कलर इज़ मोस्ट अफोर्डेबल
एंड उसके रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं। एंड हियर इज़ अवर टेक्सचर फ्लावर वास इज रेडी, इट लुक सो अमेजिंग और बहुत अच्छा दिख रहा था। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और उसी के बाजू में जो सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया है तो आपको बहुत बड़ा थैंक यू। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही कमेंट करते रहना और मुझे मोटिवेट करते रहना क्योंकि मैं अच्छे वीडियोज़ बना पाऊँ। अगर आपको याद होगा मैंने IKEA हॉल वीडियो में बताया था कि मैं IKEA प्रोडक्ट के साथ कुछ DIY करने वाली हूँ, उसको हम IKEA हैक्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट DIY IKEA प्रोडक्ट के साथ होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लिव योर ड्रीम्स।